दोस्तों वीडियो होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो मॉड्यूलर किचन बनाने का तो उसका खर्चा कितना आएगा, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो खर्चा, कौन सी कंपनी का मटेरियल लगाना है, कितने में वो मटेरियल आएगा, सब चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पूरा बजट का बात करेंगे, खर्चा कैसे कम करेंगे, और मटेरियल प्लाईवुड हो गया, माइका हो गया, ड्रॉर हो गए, चैनल हो गए, हिंजिस हो गए, लिफ्ट अप सिस्टम हो गया, कौन सा कंपनी का लगवाएं और क्या क्या उसका रेट रहेगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज आप इसमें से लेके जाने वाले हो। मॉडल किचन बनाओगे तो ये चीज़ें ध्यान में होंगी, तो खर्चा भी बचेगा और एक अच्छी मॉडल किचन भी आपकी बनने वाली है। तो स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि सिविल साइड विजिट आपको दे रहा है हर चीज का नॉलेज फ्री में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं पहले बात कर लेता हूं मटेरियल का, फिर हम खर्चा कितना आएगा कैसे निकालेंगे, फिर हम खर्चा कैसे कम कर सकते हैं वो निकालने वाले। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो मटेरियल यूज होता है वो होता है प्लाईवुड, क्योंकि हमें प्लाई उसमें यूज़ करनी है। अगर एरी गैरी हम प्लाई यूज़ कर देंगे तो दूसरे दिन फूल जाएगी, उसका काम क्या है। तो आपको प्लाईवुड जो यूज़ करनी है वो होनी चाहिए आईएस ग्रेड, जो 710 ग्रेड रहता है, प्लाई में भी ग्रेड्स आते हैं, 710 ग्रेड आपको ले लेने हैं। मैरीन प्लाई रहती है वो, उसमें गर्म पानी लगे ठंडा पानी लगे वो फूलती नहीं, ख़राब नहीं होती, और 20 से 21 साल की गारंटी देती है कंपनी। मतलब 20 से 21 साल के बीच अगर आपकी प्लाई को कुछ होता है तो कंपनी वो रिप्लेस करके देगी बिना पूछे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ब्रांड कौन कौन से आते हैं, इसमें ब्रांड काफ़ी मिलेंगे आपको, ग्रीन प्लाई का और सेंचुरी का, मैं दो प्रेफर करूंगा। एक सस्ते इंडियन अच्छे ब्रांड ग्रीन प्लाई के साथ जाओ, या आप सेंचुरी ब्रांड के साथ जाओ। ये आपको 3500 से 3600 के बीच में ये बोर्ड मिल जाएगा आपको, ये बोर्ड आता है जो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और IS 710 ग्रेड आप देख लेना ये चीज़, और ये 20-21 साल की गारंटी देते हैं, गारंटी कार्ड आपको ले लेना है, ये क्लियर हो गया। फिर आता है इसका नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है बाइट, माइका यूज़ करते हैं, माइका इसके लिए शीट ही बोलते हैं, जो अंदर में हमें यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि देखो बोर्ड हम लगाने जा रहे हैं, एक अच्छी किचन बनाने जा रहे हैं, तो उसको अंदर से भी आपको बोर्ड लगाना है। काफ़ी लोग नहीं लगाते, पेंट कर देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो अच्छा काम नहीं है। आपको उसको वाइट माइका आपको यूज़ करना है, उसमें जो शीट आती है माइका की, वो आपको 500 से 600 रुपए में मिलेगी, वो एप्को की मिल जाएगी, सेंचुरी की मिल जाएगी, या आपको ग्रीन प्लाई की किसी की भी मिल जाएगी दोनों में से। तो 500 से 600 रुपए में वो वाइट माइका मिल जाएगा आपको, वो आपको यूज़ करना है। ये हमारा हो गया अंदर के लिए जो माइका हम यूज़ करते हैं, शीट यूज़ करते हैं। देखो देखो जो बाहर में आती है वो अर्कली की भी आती है, उसमें आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की शीट जाएगी, इतने महंगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाई ग्लॉस में आपको एप्को की हो गई, मरीनो की हो गई, वो आपको 1200 से 2200 रुपये में वो शीट आपको मिल जाएगी, वो यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा वो डिसेंट रॉयल लुक देती है, जब लाइट ऑन होती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। उसमें कलर कोई भी चूज़ कर सकते हो, हाई ग्लॉस में वो कलर आपके लिए आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, वो होती है हमारा ड्रॉर सिस्टम और जो बास्केट रहती हैं, उसमें आप SS जाली स्टेनलेस के में भी जा सकते हो, फिर इनोटेक या टैंडम में आप जा सकते हो, दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। देखो जैसे मैंने पहले बताया, SS का थोड़ा सस्ता पड़ता है, इनोटेक का थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप मिक्स भी कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। कुछ इनोटेक का यूज़ कर लीजिए, कुछ आप SS का यूज़ कर लीजिए। जब SS का यूज़ करोगे आपको गोदरेज मिल जाएगा, ग्रीफ्री मिल जाएगा, उसमें आपको मेन चीज़ देखनी होती है वो ग्रेड जो देखना है आपको, 202 ग्रेड नहीं लेने, 304 ग्रेड आपको उसके लिए चूज़ करना है, और एंटी रस्ट मटेरियल ही यूज़ करना है कि बाद में उसको रस्ट नहीं लग जाए, ये चीज़ उससे आपको पहले क्लियर कर लेनी है। और इनोटेक एवरशाइन के, गोदरेज के, एफले के किसी में भी आप जा सकते हो, तो टैंडम उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ड्रॉर सिस्टम जो रहते हैं ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे 1500 रुपये से, आपका 3500 के बीच में सब मिल जाएंगे। किस में? आपको गोदरेज में मिल जाएंगे, आपको फ्री उसमें SS में मिल जाएंगे। इनोटेक थोड़े महंगे आते हैं, वो आपको 3000 से 4500 में भी मिल जाते हैं अच्छी कंपनी के। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मेरे ख्याल में 15 से 16 आइटम से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किचन में, तो इससे ज़्यादा लगवाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन से आपको चाहिए, एक मॉडल किचन पर अलग से प्लेलिस्ट है, वो जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यूज़ पड़ती है हमारी चैनल, जो चैनल होते हैं सॉफ्ट क्लोज आपको यूज़ करने हैं। सॉफ्ट क्लोज में आप हिंदवेयर के साथ जाओ, काफ़ी अच्छे और सस्ते उसके चैनल रहते हैं। आपको सॉफ्ट क्लोज जो 600 से 700 रुपए मिल जाएगा, बिना सॉफ्ट क्लोज के आपको लेना है तो वो 300 से 350 में, बिना सॉफ्ट क्लोज के भी ले सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज वो जो होते हैं वो नाम के सॉफ्ट क्लोज हैं, इतनी अच्छी वो नहीं देते। जैसे आप कहो कि जो इनोटेक के सॉफ्ट क्लोज आते हैं वो अच्छे से बंद हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे बाहर से जो ओपन सॉफ्ट क्लोज लोग हैं, साइड वाले बोल रहा हूँ, अंडर भी आते हैं साइड वाले जो बोल रहा हूँ, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करते। तो मेरे ख्याल में आपको एक सेट जो आता है
हिंदी वेयर का बिना सॉफ्ट क्लोज वाला वो ले लेना चाहिए और उसको आप आगे लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहती है हिंजिस, और हिंजिस जिन्हें हम बोलते हैं डड्डू गब्जे जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें जैसे आप बंद करोगे छोड़ोगे वो अपना हो जाएंगे सॉफ्ट क्लोज वाले। तो वो सॉफ्ट क्लोज आप हिंदी वेयर के, हैफले के, गोदरेज के, किसी के भी लो, सबके अच्छे हैं। बस उसमें भी आपको देखना है कि स्टील कैसा है, और 0 डिग्री वाले हम आपको हमेशा लेने, और इनकी जो रेंज रहती है 200 से 400 रुपए में आपको मिल जाएंगे, मतलब 200-250 रुपए का आपको एक पीस मिल जाएगा डड्डू गब्जे का, वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपको लेना है हैंडल्स, जो आप सामने देख रहे हो हैंडल्स, जो आप कीवी कंपनी के लीजिए, फिजी के आते हैं, काफ़ी कंपनीज हैं, जिसके भी हैंडल लेने जाओगे आपको जो हैंडल लगाने वो आपको 10 से 12 इंच के बीच के लगाओ, काफ़ी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हैंडल कैबिनेट में लगेगा उतना अच्छा दिखता है। तो वो आपको 300 से 400 रुपए में एक पीस मिल जाएगा, वो स्टील का क्रोम फिनिश में लीजिए, कोई भी माइका प्लेन फिनिश में लगा रहे हो उसमें क्रोम लगाइए, काफ़ी अच्छा देखने को वो मिल जाता है। तो 300 से 400 रुपए में आपको मिल जाएगा। लिफ्ट अप सिस्टम काफ़ी लोग लगाते हैं, जो आपने देखा होगा जैसे गाड़ी की डिक्की खुलती है वैसे ही ये लिफ्ट अप सिस्टम रहता है जिसमें सिलेंड्रिकल रहता है, तो इसको जो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता, लेकिन ये वर्क काफ़ी कम करता है, मतलब थोड़े टाइम बाद ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, डस्ट घुस जाती है जब, तो मेरे ख्याल में इसको लगाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप लगा सकते हो। हैफले का आपको मिल जाएगा 400 से 500 रुपए में वो मिल जाता है, तो वो यूज़ करिए, सिंगल वाला यूज़ करिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। बात करते हैं एज टकरें जिन्हें बोलते हैं हम, एज बेंडिंग जो बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो जो आपका पड़ला खुलेगा उसके एज जो रहते हैं उन पे अगर टकरें मतलब एज बेंडिंग लगी होगी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जिस हिसाब का माइक है वैसे आप मार्केट से बाई कर सकते हो, खुद से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप यूज़ करना हीटेक्स यूज़ करना लगाने के लिए तो वो रुका रहेगा। तो ये बेसिक मटेरियल होता है, यही मटेरियल मोस्टली यूज़ किया जाता है, बाकी जो मटेरियल बेसिक रहेगा। अगर हार्डवेयर का जो मटेरियल आपको चाहिए उस पर वीडियो चाहिए वो मैं अलग से लेंगे, हार्डवेयर का मटेरियल कौन सा कितने का आएगा वो अलग से बात करेंगे। अभी बात करते हैं कैसे आप खर्चा कम कर सकते हो अपने किचन को बनाने में। ये मटेरियल आपको पता चल गया, देखो खर्चा कहाँ कम होता है, खर्चा कम होता है जो हम कैबिनेट्स बनाते हैं वो मिक्सअप करने हैं, हमें ये नहीं है कि सब कैबिनेट हमें मिरर वाले बना दिए या बंद वाले बना दिए। आपको क्या करना है, एक एक दो मिरर वाला बना दो, बाकी आपके बंद वाले कैबिनेट और ओपन कैबिनेट रखो। ओपन कैबिनेट के काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम हो जाता है, मतलब 50% खर्चा बच सकता है ओपन कैबिनेट का। तो मिक्स आपको करना है ओपन मिरर और जो ओपन वाला, तो इस हिसाब से डिज़ाइन करवानी है आपको, क्योंकि डिज़ाइन पे सब खर्चा होता है, तो आपको डिज़ाइन करवा लेनी है अपनी किचन। और अगर हम बात करें जैसे खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, टैंडम जो इनोटेक चैनल रहते हैं, इनोटेक सिस्टम रहता है, उसमें अगर आप बनाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा। आप SS का यूज़ करिए, SS का सिर्फ आप चाहते हो कि थोड़ा प्रीमियम लुक भी मिले तो SS और इनोटेक के साथ जाइए, फिर आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और लिफ्ट अप जैसे मैंने बताया, एक तो ख़राब हो जाता है और महंगा होता है, आप लिफ्ट अप मत लगाइए, ये सब चीज़ें देनी है। और बोर्ड माइका ये सब चीज़ें अगर आप अच्छी कंपनी का लगाते हो तो और बजट में, तो आपके खर्चा कम हो जाता है। नेक्स्ट जो बात मैं करने वाला था कि खर्चा कितना पड़ता है किचन को बनाने के लिए, तो अगर हम बात करें वो डिपेंड होता है हमारा किस पे, वो डिपेंड होता है हमारी शेप किस हिसाब से, आपका साइज़ कुछ भी आपके किचन का 8x10 की है, 10x10 की है, या 5x6x20 की है, कोई भी साइज़ है, लेकिन उसके जो कैबिनेट आप किस हिसाब से डिज़ाइन करते हो उस पर डिपेंड होता है। अगर मैं लेबर रेट की बात करूँ, बाहर लेबर रेट का क्या होता है, जो आपके कैबिनेट बनते हैं नीचे या ऊपर, देखिए अब अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट, तो उनको मेज़र किया जाता है बाहर बाहर से, वो अगर 2-3 फुट हाइट है और 10 फीट लंबा है तो 30 फीट हुआ, 30 × आपको 350 रुपया कर लेना है, तो वो आपका लेबर रेट निकलेगा। और वैसे अगर आपको मटेरियल रेट निकालना है उसमें तो 200 से 250 रुपया एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन कर देना है। मतलब छोटी से छोटी किचन बनाने जाओगे, सिर्फ कारपेंटर का काम का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेबर प्लस मटेरियल आपका 1 लाख रुपया पकड़ के चलिए मिनिमम, कम से कम ये लगेगा आप एक सेमी मॉड्यूलर किचन आप बनाने जाते हो। तो इस तरीके से खर्चा डिसाइड किया जाता है। अगर इसमें और कुछ नया नॉलेज आपको ऐड ऑन करना है, कुछ और चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।